बांग्लादेश और नेपाल के बीच खेले गए T20 वर्ल्ड कप 2024 के 37वें मुकाबले में नेपाल के कप्तान और बांग्लादेशी तेज गेंदबाज के बीच मैदान हुई हाथापाई, जिसे शांत कराने अंपायर को भी बीच में आना पड़ा। दरअसल हुआ कुछ यूं कि नेपाल के बल्लेबाजी का तीसरा ओवर कराने आए तंजीम हसन के ओवर की है आखिरी गेंद, जिसको रोहित पोडेल ने हल्के हाथों से पॉइंट की और दिशा दिखाई और जो कि सीधे फील्डर के पास गई। और जैसा कि तंजीम हसन ने इस ओवर में 2 विकेट लिए और कोई रन भी नहीं दिया, तो वह पूरे एग्रेशन में नजर आए और इसी एग्रेशन में वह ओवर खत्म होने के बाद रोहित पोडेल को घूरने लगे, जिस पर नेपाल के कप्तान भी नहीं रुके और वह तंजीम हसन के पास आ गए। जैसे ही यह दोनों खिलाड़ी एक दूसरे के पास आए तो इनमें बहस देखने को मिली और इसी दौरान तंजीम हसन ने रोहित पोडेल को हल्का सा धक्का भी लगाया। इससे पहले कि इस मुकाबले में यह ड्रामा और ज्यादा होता, यह मामला बढ़ता, अंपायर ने तंजीम हसन को रोहित पोडेल से दूर किया और दूसरी ओर अनिल शाह ने रोहित पोडेल को दूर किया। वैसे इन दोनों के बीच हुई यह गर्मागर्मी का वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल हो रहा है।